फिर जनरल कास्ट की लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें कहा जाएगा भैया ये जनरल कास्ट के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं और ये जो है गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैडम आपको कभी चोट लगी है? आप अस्पताल गए जब आपको चोट लगी पहला काम डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ, जरा कहा था ना। तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है, जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इसमें सबको पता लग जाएगा कि भैया नानी के पास कितना पैसा, आपका नाम क्या है, अदानी के पास कितना पैसा और मनदीप सिंह के पास कितना पैसा पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी कह नहीं चाहते, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं, दो ही जात है अमीर और गरीब। अच्छा भैया अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, ये करवा क्यों नहीं रहा? मैंने सोचा मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं, वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए, वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया, वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी उनको बैठाया गया है, भाइयों बहनों उनको बैठाया गया है, वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का पिछड़ों का गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं मैंने मन बना लिया है हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना और मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देखिए ना चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखो मैंने कहा था मैं आपको कह रहा हूं कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी कदम, जैसे यहां पे पहले आजादी मिली क्रांतिकारी कदम, उसके बाद हरित क्रांति हुई क्रांतिकारी कदम, उसके बाद सफेद क्रांति हुई क्रांतिकारी कदम, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन प्राइमरी पर्स बताए गए क्रांतिकारी कदम, उसके बाद लिबरलाइजेशन क्रांतिकारी कदम, वैसे ही जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी। और ये जो अन्याय हो रहा है उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा, भैया यहां पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है, मैं यहां पे अपना खून पसीना दे रहा हूं, मैं छोटी दुकान चला रहा हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मुझे यहां कुछ नहीं मिल रहा, ये साबित हो जाए बस। और उसके बाद देश की सच्चाई सबके सामने बिल्कुल सामने क्लियर हो गए। अब मोदी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटा